क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज हम क्रिस्त राजा का त्यौहार मना रहे हैं। माता कलीसिया क्रिस्त राजा, जो राजाओं का राजा है, उसका आज महोत्सव मनाती है। सन 1925 में संत पिता पीयूष 11वें ने इस त्योहार की स्थापना की। आज इस क्रिस्त राजा के त्योहार पर आइए हम मनन चिंतन करते हैं कि यह त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इस त्योहार मनाने का कारण क्या है। भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मायूसी छाई हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और राजनीतिक नेताओं की तानाशाही चरम सीमा पर थी। जैसे जर्मनी में हिटलर का बोलबाला था, इटली में मुसोलिनी का और रूस में स्टालिन ने अपना अधिकार जमा लिया था। ईश्वर नाम की कोई आस्था नहीं थी। ईश्वर में विश्वास करने के लिए लोग बहुत परेशान थे। आम जनता शासकों के ही को ही सम्राट मानने लगी थी। ऐसी परिस्थिति में जब लोग ईश्वर से दूर जा रहे थे, सम्राट लोग अपने को सब कुछ मानते थे, संत पिता पीयूष ने लोगों का विश्वास भटक न जाए, लोग चर्च से दूर न चले जाए, इसलिए उनके विश्वास को पुनः दृढ़ करने के लिए अपने पत्र में क्रिस्त के राज्य में क्रिस्त की शांति, संत पापा पीयूष 11वें ने अपने पत्र में क्रिस्त के राज्य में क्रिस्त की शांति के द्वारा समस्त संसार को यह समझाने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु क्रिस्त को ही सामर्थ्य है, प्रताप है, महिमा है, विजय और स्तुति प्राप्त है, क्योंकि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है वह सब कुछ प्रभु यीशु का ही है। समस्त राज्याधिकार प्रभु का है और वही समस्त पृथ्वी पर शासन करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्रिस्त ही सचमुच राजा है और पवित्र धर्मग्रंथ इस बात का साक्षी है कि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच में राजा है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 2:2 में हम पढ़ते हैं, पूर्व से जो ज्ञानी लोग या पूर्व से जो ज्योतिषी लोग आए थे, उन्होंने पूछा, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ जन्मे हैं। यानी कि जो ज्ञानी लोग थे, जो उस समय के विद्वान लोग थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु क्रिस्त को राजा कहकर संबोधित किया। फिर से संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6:15 में हम पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कारों को देखकर यहूदी लोग उसे राजा घोषित करना चाहते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इतने चमत्कार किए कि जो यहूदी जनता थी वो उसको राजा मानने के लिए तैयार हो गए थे। फिर से संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 15:2 में हम पढ़ते हैं, पिलातुस ने ईसा से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? और प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। भाई और बहनों, ये सभी जो बाइबल के वाक्य हैं हमसे ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच में एक राजा है। आज की उपासना के जो पाठ हैं, यीशु मसीह राजा है, इस बात पर प्रकाश
डालते हैं। आज का पहला पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पाठ में प्रभु यीशु क्रिस्त की चर्चा की गई है और आज का पाठ हमें बताता है कि समस्त पृथ्वी का राजस्व और सम्मान उसे दिया गया है। राजा को प्रभुत्व तथा राजस्व दिया गया है। सभी देश, सभी राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रजा है और यीशु क्रिस्त एक राजा है। तो राजा की आराधना करना, राजा की बात मानना, उसका कहा सुनना, ये एक प्रजा का अपना धर्म है। और आज का जो सुसमाचार है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त पिलातुस से कहते हैं कि वो राजा है, लेकिन उनका राज्य इस संसार का नहीं है और इसी राज्य के विषय में साक्ष्य देने के लिए वो स्वयं आए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्रिस्त राजा की प्रजा होने के नाते हमारे राजा ने जो काम किया, उन्होंने सेवा की, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने एक दूसरे को माफ किया, हमारा राजा हम सबों को इसी बात के लिए न्योता देता है कि अगर मैं राजा होकर मैंने लोगों की सेवा की, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। तुम अगर मुझे राजा कहते हो और मैंने अगर तुम्हें माफ किया है तो तुम भी एक दूसरे को माफ करो। भाई और बहनों, आज इस क्रिस्त राजा के त्योहार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे राजा, आपकी सच्ची प्रजा होने के लिए मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे कि मैं आपके पीछे चल सकूं और आपकी ईमानदार और सच्ची प्रजा बन सकूं। God bless you.